मैं सुबह बहुत जल्दी उठा हुआ हूँ, आज अराउंड 6 बजे का उठा हुआ हूँ। संडे है आज, लास्ट संडे राइड का भी आपने कुछ दो दिन पहले वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने राइड किया था करण के साथ में, उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं रॉयल एनफील्ड वाले पूरे ग्रुप के साथ मैंने राइड किया था अपने स्टंट बाइक को लेकर के। तो आज भी संडे है और आज संडे को उन्होंने बोला था कि अपन चलते हैं कुछ अराउंड 60 किलोमीटर दूर एक शॉर्ट राइड पे, बट स्टंट बाइक है यार मेरे पास, ब्लैक पैंथर नहीं है, पल्सर 220 आपको अगर पता होगा, अगर मेरे पास फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे ब्लैक पैंथर क्या है। अभी फ़िलहाल मैं आ रखा हूँ अपने राइडिंग स्पॉट पे, क्योंकि जो थ्रिल है ना, थ्रिल यहाँ से ही मिलता है। नॉर्मल जो राइड्स होती है, शॉर्ट ट्रिप्स होती है, तो उसके अंदर स्टंट बाइक ऐसी नहीं तो वो टॉप स्पीड पकड़ पाती, नहीं तो कोई थ्रिल मिलता है नहीं कोई बात। फ़ोन आ रहा है यार, अच्छा आता है तो काम का भी फ़ोन हो सकता है। तो वो लोग बोल रहे थे हम राइड में जाकर के डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हाँ भाई, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, कहाँ हो? मैं यहाँ पे प्रैक्टिस पे। बस आ रहे हैं। आ जा आ जा जल्दी, हम गाड़ी की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल। मतलब क्या परफेक्ट टाइमिंग था, जस्ट नो मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा था तो ये लोग ब्राइड में जाकर के यहाँ पर ही आ रहे हैं ये, इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरी बाइक की टॉप स्पीड नहीं है, थ्रिल नहीं मिलता है वो, और मेन थ्रिल स्टंट राइडिंग करके ही मिलता है। जब बाइक ऊपर होती है, जब सात से ऊपर चढ़ती है ना, तब लगता है कि हाँ। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे को क्या चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, जो कि चीज़ मैंने नई नई सीखी है, तो उस चीज़ को नोट करना, फिर मैं बताऊँगा कि वो चीज़ क्या है। आपने अगर गौर कर लिया, वीडियो को पॉज करना उस टाइम में और नीचे कमेंट लिखना इस स्टंट का नाम क्या है। तो चलिए अभी करके बताता हूँ। गेट्स पहन लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। आना पड़ रहा है, जो पीछे जो कैमरा मैन है ना लवजीत, इसको भी घर में जाके नॉक कर किया है मैंने। मैंने कहा कि उठो इसकी मम्मी बोले कि ये तो सो रहा है अभी। मैंने कहा कि आंटी उठाओ उसके मोबाइल वोबाइल कम करो इसका चलाना। ये वाला नहीं जो पहले जो मैंने किया था, अगर पता है तो उसको स्टॉप करके बोल दो। वैसे मैं बता देता हूँ, ये था कोस्टर व्हीलीज। तो कोस्टर व्हीली के अंदर ये होता है कि बाइक आपकी फर्स्ट गियर में चल रही होती है, देन उसके बाद में आप सेकंड गियर शिफ्ट करते हो ऊपर व्हीली के अंदर ही, और उसका क्लच दबा देते हो, तो बाइक अपना आप ही चल रही होती है क्लच के अंदर ही, और उसके बाद फुल थ्रॉटल। इसमें ऐसा ही नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता ये, लेकिन मज़ा बहुत आता है। ये थ्रिल की मैं बात कर रहा था, कभी वो लोग आ जाए तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेंगे कहाँ जा कर के आए हैं। ये नई मैंने LED इंस्टॉल की है यहाँ पर, रात को काम आती, क्योंकि अभी मेन बाइक मेरी ये बनी हुई है। और दूसरी चीज़ मैंने जो नया किया है बाइक के अंदर, मैंने इसमें लगा रखा था पल्सर 150 का बैंड पाइप, ये जो यहाँ इंजन से निकल रहा है ना, ये वापस 220 का लगाया है। इसका फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसका नॉइस भी थोड़ा ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आजकल ज़्यादा आवाज़ से मेरे को बहुत दिमाग ख़राब होता है। और SC प्रोजेक्ट है जो लगा रखा है, इसका DB किलर उड़ गया था, बाइक चला रहे थे और चला चलाते 60 की स्पीड के अंदर उड़ के नीचे गिर गया। तो अभी इसके लिए भी एक ऑर्डर किया है मैंने, वो आ जाएगा तो उसके अंदर लगा दूंगा, थोड़ी साइलेंट हो जाएगी बाइक, जब शो हुआ तब उसके अंदर वापस पेज से खोल दूंगा DB किलर। ये सीन है, फ़ोन लगाते हैं कब आएंगे यार। क्या हाल चाल है? आज की राइड कैंसिल हो गई, मुझे लगा बाइक की आवाज़ आएगी, मैं तो बैठा हूँ कैमरा ऑन करके, बाइक की आवाज़ आएगी, दूर से ही डाली आएगी, नाम खराब कर दिया मेरा, नाम खराब बने हैं क्या बात। ये तो वो है CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, लोग देखेंगे क्लिक करेंगे क्लिक पे, मैंने फायदा उठाया है। राइड हुई कैंसिल, वो ना हुआ परेशान कर लिए तुम, कर तो लिया, अभी और रुक गया, फिर मैंने कहा अभी फालतू की थपूँ यार। हाँ यार, फोटो गजब ली यार। वो तो यार क्या है, वो बाइक पे नहीं होती, पिछली बार हम गए थे ना, हाँ। गए थे तो हमारे पास एक कार थी, हाँ। तो कार से तो मस्त लटक के ले सकता हूँ, मैं बाइक से ले नहीं सकता, डर लगता है कैमरा का। अब लेना है कुछ शॉट यार, वैसे जरूरत थी कुछ डालूं इंस्टाग्राम पे, ये मोबाइल की फोटो डालता हूँ।
ले घर जाके कैमरा लेके आया, घूमने गए थे फिर वापस। हाँ करके मोना को जोश आ गया है, तो वो अभी अपनी स्कॉडा पे ट्रिप करने वाला। बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है मोना, चागे रिवर्स करेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पर ही ओवर होता है मेरा। ये लोग भी आज राइड भी नहीं गए जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर से कुछ दिक्कत हो गई थी, आज सुबह आया नहीं वो। एंड करते हैं यहाँ का ब्लॉग आज ही, रेगुलर थोड़ा रहना पड़ेगा मेरे को भी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्ड से ये हाल होता है पहनने के बाद में, ये स्किन ऐसे हो जाती है। और जैकेट पहनने की तो हिम्मत ही नहीं भाई, राजस्थान की गर्मी। सूरज देख रहे हो कितना अभी से जला रहा है। अकेला हो गया हूँ क्योंकि लवजीत गया है सामने वाले जो ये है मिनी टी स्टॉल वाला जो है इनका केबिन, अंकल को छोड़ने के लिए गया है वो, उनको कुछ काम था। और वो अंकल बता रहे थे कि सामने है ना यहाँ पर पुलिस थाना खुलने वाला है। तो मैंने कहा और भी अच्छी बात है कि फालतू के जो लोग आते हैं यहाँ पर कई बार लेकर के आते हैं दारू की बॉटल वगैरह इधर फोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करेंगे ज़िंदगी में ये। तो अभी मेरे को जो करना है ना, मुझे अपने फिटनेस पर ध्यान देना है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था व्हाट्स नेक्स्ट करके पोस्ट शेयर किया था। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो फॉलो कर दीजिए, गौरव स्टंट फ्रीक नाम से मेरा है इंस्टाग्राम का चैनल। व्हाट्स नेक्स्ट ये है कि मेरे को अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है क्योंकि जो मैं स्टंट कर रहा हूँ अभी नो थ्रॉटल एंड सर्कल व्हीली जो कर रहा हूँ मैं एक हाथ छोड़ करके, ये वाला राइट वाला, तो दोनों हाथ छोड़ने मेरे को उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस पैर के अंदर। तो अभी उस पर काम चल रहा है और जब तक ये मोना डार्लिंग यज्ञेश ऑल्सो नोन एज मोना डार्लिंग जब तक ये लोग नहीं आते, ये लोग राइड पे गए जैसा कि मैंने आपको बताया, तब तक मैं यहाँ पर ही हूँ। और अकेले राइडिंग करने में बिल्कुल यार मज़ा नहीं आता यार। चलो अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, दोनों में अपने हाथ छोड़ूंगा व्हीली के अंदर। पुलिस स्टेशन यार जल्दी से जल्दी बने तो सही रहेगा यार, थोड़ी अपनी जगह भी सेफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जगह छिन जाए। काउंटर देना है इधर और ये दोनों हाथ छोड़ने हैं ऐसे। सेकंड ये चीज़ के अंदर मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके अलावा अभी आपको मैं फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ कि कोस्टर व्हीली कैसे की थी मैंने पहले, तो क्या टेक्निक होती है इसकी, बिना गियर्स के बिना परमिटेड एरिया की ऐसी चीज़ें मत करना। मेरे पास में इसकी जगह की परमिशन है थाने से, इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाता हूँ। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है सिटी से, ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर देन थ्रॉटल एंड क्लच। थोड़ी सी और लंबी जगह मिल जाए ना तो बहुत लंबी जाए बाइक की। क्लच इट अप ये था।